सुलेमान हस्ताक्षर है। मैं नीरज भाई से निवेदन करता हूं और तब तक निवेदन करता हूं, एक बार आपके दोनों हाथों पर उठें और इनको जोरदार तालियों में तब्दील करके देश के वरेण्य संचालक ओज और सौर के रचनाकार भाई नीरज पांडे जी, जो प्रत्येक प्रत्येक वर्ष इस कवि सम्मेलन को सजाते हैं, उनके लिए जोरदार तालियां। आमंत्रित करें माइक पर आदरणीय नीरज पांडे जी राय। आदरणीय गुड्डे भैया के आदेश पर अगर देश के शानदार कवियों की उपस्थिति से आज का ये कवि सम्मेलन जानदार हो गया हो, मैंने थोड़ी सी मेहनत की, भैया ने मार्गदर्शन किया, तो एक बार तालियां बजा करके आप एहसास कराइए कि आज का कवि सम्मेलन आपको अच्छा लगा। आपकी तालियां बता रही हैं कि हमारी मेहनत सफल हो गई। और गुड्डे भैया को अभी जकाउल भाई कह रहे थे भूतपूर्व चेयरमैन, लेकिन जब 2023 के कवि सम्मेलन में हम इस मंच पर होंगे या झंडा मेला के कवि सम्मेलन में होंगे तो हम पुनः कहेंगे कि वर्तमान चेयरमैन आदरणीय गुड्डे भैया। उस शुभकामना के लिए भी आदरणीय के लिए शुभकामनाएं करिए और आपकी शुभकामनाओं की तालियां आनी चाहिए। एक बार गुड्डे भैया के प्रति शुभकामनाओं की एक बार तालियां बजाइए। और मैं चाहता हूँ, काव्य पाठ का क्रम है, मैं हिंदुस्तान की बात करके गए हैं, वाकई वास्तव में पूरा हिंदुस्तान मुझे इस संडीला में दिखाई पड़ता है, जो यहाँ की कौमी एकजहती है, जो मुश्तरका तहजीब है, ये कहीं ना कहीं हमारे मुल्क के इतिहाद को रोशन करती है। मैं एक हिंदुस्तान आपके समक्ष उपस्थित करना चाहता हूँ कुछ पंक्तियों के माध्यम से। कम लोग हो गए हैं लेकिन वादिय कश्मीर की महकी हवाएं कह रही, पूरा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का हर सूबा, हिंदुस्तान का हर राज्य, हिंदुस्तान का हर प्रदेश लाने की कोशिश करता हूं आपके सामने कि वादिय कश्मीर की महकी हवाएं कह रही। थोड़ा सा संजीदगी से सुन लीजिएगा, मेरे पास वो सब है बहुत कुछ, लेकिन वो सब नहीं करना है। कवि सम्मेलन अपने अंतिम हिस्से पर है। आलम सुल्तानपुरी का काव्य पाठ जिस कवि सम्मेलन को संपूरित करेगा, उनका एक है ऐ मेरी प्यारी जमी, जिसके लिए हमारे मित्र मेरे भाई राकेश शर्मा जी बैठे, उन्होंने कहा है कि आलम भाई से वो गीत पढ़वा देना। चौबे जी बैठे हैं, तमाम परिचित चेहरे हमारे समक्ष हैं, कम लोग हैं, लेकिन एक संजीदगी से थोड़ा सा सुन लीजिएगा एक नज्म के कुछ बंद, और पूरा हिंदुस्तान आपके समक्ष उपस्थित करने की कोशिश करता हूँ कि वादिय कश्मीर की महकी हवाएं कह रही, वादिय कश्मीर की महकी हवाएं कह रही, मिजोरम मणिपुर मेघालय की सदाएं कह रही, ये पूरा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का हर प्रदेश, कोई प्रदेश छूटेगा नहीं इन पंक्तियों में आ जाएगा कि वादिय कश्मीर की महकी हवाएं कह रही, मिजोरम मणिपुर मेघालय की सदाएं कह रही, तमिल उत्कल असम केरल मस्त हो सब गा रहे, तेलंगाना आंध्र कर्नाटक सभी हर्षा रहे, मन लुभावन है छुवन छत्तीसगढ़ के छंद की, यूपी एमपी सब जगह बरसात है आनंद की, मस्त मौसम झारखंडी बिहारी बाना अजब, अपनी अलबेली ठसक में दिखता हरियाणा गजब, वो हिमाचल के हंसी मंजर वो कुल्लू कांगड़ा, देखिए पंजाब कैसे कर रहा है भांगड़ा, वो हिमाचल के हंसी मंजर वो कुल्लू कांगड़ा, वो हिमाचल के हंसी मंजर वो कुल्लू कांगड़ा, देखिए पंजाब कैसे कर रहा है भांगड़ा, आज नागालैंड और अरुणाचल सभी मस्ती में है, अजब रौनक छोटे से सिक्किम की हर बस्ती में है, उत्तराखंड गर्व से उन्नत यहाँ माथा लिए और राजस्थान अपने शौर्य की गाथा लिए, गोवा त्रिपुरा सभी गर्वित गर्व में, गुजरात है और अपनी उस मराठी शान की क्या बात है, दिल्ली चंडीगढ़ दमन दादर नगर लद्दाख में, पांडिचेरी लक्षद्वीपों अंडमानी आंख में, एक अलबेली अलौकिक है चमक उल्लास की, है झलक इस राष्ट्र के प्रति, है झलक इस मुल्क के प्रति एकता विश्वास की, अरब सागर से कहे खाड़ी यही बंगाल की, हो गई है अपनी आजादी 75 साल की, अरब सागर से कहे खाड़ी यही बंगाल की, और जिस 75 साल की आजादी को लाने में हिंदू मुस्लिम सिख सब ने अपना खून पसीना गारत किया इस मुल्क की खिदमत में, इस मुल्क की सेवा में, मैं चौधरी हशमत अली के संडीला में पढ़ रहा हूँ, जिन्होंने आजादी के लिए बड़ा योगदान दिया, बड़ा यज्ञ किया, उनके नाम पर कुछ तालियां उठी हैं, अगर पूरे सदन की, जब भले कम लोग बचे हैं, कुछ कुर्सियां खाली पड़ गई हैं, लेकिन चौधरी हशमत अली की यादों को एक बार जिंदा करिए अपनी तालियों के माध्यम से। और एक कविता आपके बीच में पढ़ता हूँ, असली हिंदुस्तान है क्या जहाँ मुख्तलिफ रंगों वाले फूल महकते खिलते हैं, कम लोग हैं लेकिन अच्छे लोग हैं तो मैं हिम्मत जुटा पा रहा हूँ कि जहाँ मुख्तलिफ रंगों वाले फूल महकते खिलते हैं, कौमी एकजहती के गीत जहाँ सुनने को मिलते हैं, संदल जैसी खाक जहाँ की इसकी खुशबू न्यारी है, जन्नत से भी ज्यादा पाकीजा सरजमी हमारी है, ईद और बकरीद यहाँ पर होली और दिवाली है, गीत यहाँ पर गजल यहाँ पर भजन और कव्वाली है, दरगाहों पर चादर जहाँ चढ़ाते हैं हिंदू भाई, देती जहाँ सुकून दिलों को बिस्मिल्लाह की शहनाई, साथ निभाती जहाँ आरती का है सदा अजान की, मुश्तरका तहजीब रही है अहले हिंदुस्तान की।
आपने तो बिल्कुल ताकत दे दी कि जहाँ जहाँ मुख्तलिफ रंगों वाले फूल महकते खिलते हैं, कौमी एकजहती के गीत जहाँ सुनने को मिलते हैं, संदल जैसी खाक जहाँ की जिसकी खुशबू न्यारी है, जन्नत से भी ज्यादा पाकीजा सरजमी हमारी है, ईद और बकरीद यहाँ पर होली और दिवाली है, गीत यहाँ पर गजल यहाँ पर भजन और कव्वाली है, दरगाहों पर चादर जहाँ चढ़ाते हैं हिंदू भाई, देती जहाँ सुकून दिलों को बिस्मिल्लाह की शहनाई, साथ निभाती जहाँ आरती का है सदा अजान की, दिल मुश्तरका तहजीब रही है अहले हिंदुस्तान की, जहाँ पुराने पाक जहां कुराने पाक और गीता के हैं संदेश यहीं, चिश्ती नानक गौतम गांधी के पवित्र उपदेश यहीं, जहां यहीं जायसी और कवि मुल्ला दाऊद संत कबीर हुए, इसी सरजमी पर अकबर गालिब मोमिन उमीर हुए, दोहे यहां रहीमदास के, दोहे यहां रहीमदास के, तुलसी की चौपाई यहां, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई है, बाबा बाबा दोहे यहां रहीमदास के, तुलसी की चौपाई यहां, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई यहाँ, अल्लामा इकबाल के यहाँ गाते सभी तराने हैं, यहाँ लबों पर वतन परस्ती के पलते अफसाने हैं, गूंजी यही कभी कविताएं कृष्ण भक्त रसखान की, मुस्तर का तहजीब रही है अहले हिंदुस्तान, रक्षाबंधन की मर्यादा यहाँ हुमायूं निभाता है, वो मुस्लिम बादशाह जिसने एक हिंदू बहन की लाज रखने के लिए, राखी की मर्यादा रखने के लिए, यहाँ की रवायत को जिंदा रखने के लिए काम किया, उसका नाम लेता हूँ कि रक्षाबंधन की मर्यादा यहाँ हुमायूं निभाता है, पूरा हिंदुस्तान जफर की बहादुरी को गाता है, वो बहादुर शाह जफर, वो अंतिम मुगल बादशाह जिसको अंग्रेजों ने रंगून की जेलों में कैद कर लिया और उसके बेटों का सर कलम करके जेल में भेजा, कोठरी में भेजा, और ये परवाना लिख करके भेजा कि गाजियों में दम नहीं है, खैर मांगो दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, हो चुकी ठंडी जफर शमशीर हिंदुस्तान की, उसके जवाब में उस बूढ़े बादशाह ने जो लिख करके भेजा, जो जवाब दिया उसमें एक अपने वतन परस्ती की जो सुगंध आती है, जो खुशबू आती है, उस बूढ़े बादशाह ने जो जवाब दिया अंग्रेजों को कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक बजेगी तैग हिंदुस्तान की, यहाँ रक्षाबंधन की मर्यादा यहाँ हुमायूं निभाता है, पूरा हिंदुस्तान जफर की बहादुरी को गाता है, तख्ते लंदन तक था जिसका तैग बजाने का जज्बा, जंगे आजादी में सर को कलम कराने का जज्बा, हैदर अली और टीपू की यादें अब तक है जिंदा, जिनके आगे फिरंगियों को होना पड़ा था शर्मिंदा, बेगम हजरत महल चांद बीबी का है इतिहास यही, और मिलेगा फौलादी सीना हमीद के पास, अमर हो गई यही शहादत अशफाकुल्ला खान की, मुश्तर का तहजीब रही है अहले हिंदुस्तान। अंतिम बंद निवेदित करता हूं, पढ़ता हूं कि फिक्रो फन का फलक हमारे भारत का है बहुत बड़ा, फिक्रो फन का फलक हमारे भारत का है बहुत बड़ा, बनकर जहां नजीर प्यार की बेनजीर है ताज खड़ा, दुनिया की हर ताकत होगी अपने आगे शर्मिंदा, दुनिया की हर ताकत होगी अपने आगे शर्मिंदा, अगला नाम लेता हूं उस पर पूरे सदन की तालियां उठ जाएंगी, मेरा यहां आना सार्थक हो जाएगा, मेरा पूरा परिश्रम सफल हो जाएगा, कि फिक्रो फन का फलक हमारे भारत का है बहुत बड़ा, बनकर जहां नजीर प्यार की बेनजीर है ताज खड़ा, दुनिया की हर ताकत होगी अपने आगे शर्मिंदा, एपीजे अब्दुल कलाम का नाम यहां जब तक जिंदा, दुनिया की हर ताकत होगी अपने आगे शर्मिंदा, एपीजे अब्दुल कलाम का नाम यहां जब तक जिंदा, केसर की क्यारी फूलों की वादी को महफूज रखें, किसी बहकावे में मत आना दोस्तों, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे सिख हो, सियासतदान लोग हमें अलग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम अदब की महफिलों से ये गुजारिश करते हैं, इल्तिमास करते हैं इस मुल्क की आवाम से कि इनके बहकावे में मत आइएगा, कि केसर की क्यारी फूलों की वादी को महफूज रखें, हम सब मिलकर अपनी इस आज़ादी को महफूज रखें, कभी नहीं भूले हम अपने जाबाजों की कुर्बानी, हर हिंदुस्तानी के दिल में हो जज्बा हिंदुस्तानी, नजर न लगने पाए इस पर कभी किसी शैतान की, मुश्तर का तहजीब रही है अहले हिंदुस्तान की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, यकीनन ये मुझे लग नहीं रहा था जो प्रारंभ में जो हलन चलन था जो कोलाहल था मुझे कहीं से लग रहा ऐसा महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन वाकई आपके मोहब्बतों ने इस कवि सम्मेलन मुशायरे को इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाया, कुछ इधर कट गया कुछ उधर कट गया, रास्ता तो कठिन था मगर कट गया, कुछ इधर कट गया कुछ उधर कट गया, रास्ता तो कठिन था मगर कट गया, मुझ में साहस नहीं था कि मैं चल सकूं, तेरी चाहत में सारा सफर कट गया, ये सफर यहां तक आया है, मैं चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय को बुलाऊं उनका आशीर्वाद लेने के लिए, उससे पहले आलम भाई की फरमाइश हुई है, एक गीत उनका ऐ मेरे प्यारी जमी, ऐ मेरी प्यारी जमी, उसके लिए गुजारिश
हुई है, लोगों ने आदेश दिया है। मैं चाहता हूँ भले कम लोग बचे लेकिन अच्छे लोग हैं, और उस गीत से इस कविता का समापन, इस कवि सम्मेलन का जब समापन होगा तो लगेगा कि कुछ सार्थक हुआ है। मैं आलम भाई से गुजारिश करता हूँ कि वे आए और बिना किसी तमहेद के उस गीत को पढ़ दें। भले कम लोग हैं लेकिन वाकई यही अच्छे लोग हैं, यही सुनने वाले लोग हैं, और इन्हीं लोगों ने आदेश किया है, फरमाइश की उस गीत के लिए।